के बारे में बताइए, 6 मिलियन व्यूज पार कर लिया है उन्होंने, तो इस गाने के बारे में थोड़ा कुछ हमारी ऑडियंस को बताइए। आई एम रियली हैप्पी कि सबने इतना सारा प्यार दिया। मेरा गाना क्लब पब जो कि मैंने बोहेमिया पाजी ने और सुखी ने मिलके किया था, जिसमें उन्होंने रैप किया, और इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने इस लेवल पे जाएगा। एंड लोगों ने इतना प्यार दिया, स्पेशली नॉर्थ एंड आउटसाइड इंडिया, मुंबई, जितनी मेट्रो सिटीज़ हैं, जितने यूथ हैं। एंड बहुत ही पैपी नंबर है, बहुत ही पार्टी नंबर है। एंड बिकॉज फिल्मी सॉन्ग नहीं था, अगर फिल्मी सॉन्ग होता तो पता नहीं कितने मिलियन जाते। तो इट वॉज अ सिंगल एंड वो बिल्कुल जाकर बुल जाए पे जाके गाना लगा। जी, इसके अलावा क्या प्रिपरेशन की थी अपने सॉन्ग को लेकर, क्योंकि सुखी पाजी थे, बोहेमिया जी थे, तो जी, क्या प्रिपरेशन रही और कैसी ट्यूनिंग रही, कैसा बॉन्ड? ये गाना मैंने मेरे दोस्त थे रामजी गुलाटी, वो जब ये गाना बना रहे थे तो हम साथ में बैठे और उन्होंने बोला अली तुम्हारी वोकल इस पर बहुत फिट बैठेगी और लेट्स डू दिस सॉन्ग। और जब मैंने गाना सुना, क्लब हो, पब हो, विस्की का टब हो, तो मैंने बोला यार बहुत फनी सा, बहुत अच्छा पार्टी नंबर है। तो फिर हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया तो मेरे दोस्त हैं प्रियांक सकूजा जो कि दिल्ली के होटेलियर हैं, उनको सुना, इसे आई रियली लव दिस सॉन्ग यार, इसको करना चाहिए। एंड आई एम ओपनिंग ए न्यू क्लब पब कॉल तमाशा, और तमाशा पर इसकी लॉन्चिंग करें। एंड बोहेमिया पाजी वॉज देयर एंड वी ऑल स्पोक एंड ही लव द सॉन्ग, इसे लेट्स डू इट, आई एम गोना रैप इन दिस। तो उन्होंने रैप किया और सडनली थिंग्स शेप्ड अप एंड वी शॉट द सॉन्ग इन दिल्ली इन तमाशा एंड देन इट्स हिस्ट्री। दो लाइनें, क्लब हो या पब हो, विस्की का टब हो, नशे में हम सब हो, वो ओ ओ सोनी कुड़ी नाल हो, म्यूजिक की कमाल हो, फुल लाइन धमाल हो, वो ओ ओ हम जो मिर्ज़ा रंजन हो जाते हैं टल्ली टल्ली होके घूमेंगे हम तो गली गली, अंबानी जैसा बाप हो, लियोनी जैसी सात हो, एवरीबॉडी सिंग माय सॉन्ग, वो ओ ओ। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? इसके अलावा मुझे एक दो रियलिटी शोज हैं जो ऑफर हुए हैं, बिकॉज रियलिटी से काफ़ी एक डेढ़ साल का गैप हुआ है, तो मैं 2017 में रियलिटी शो भी करूँगा इंशाल्लाह। एंड मेरे दो गाने आ रहे हैं, तीन गाने बल्कि, एक मेरा पुराना गाना है बेवफा वो रिलीज़ कर रहा हूँ, और फिर एक मेरा नया गाना है हबीबी फुल माशाल्लाह, विच आई शॉट एंड सैंग विद उज़्बेकिस्तान के सुपरस्टार हैं उनके साथ में, जरीना नाम है उनका। और एक गाना मैंने मुस्तफ़ा खान एम के, बहुत ही टैलेंटेड यंग लड़का है 10 साल का, अमेजिंग टैलेंट, जो हमने शूट किया दुबई में, इस पल को आओ जी ले ज़रा। तो दीज आर द सॉन्ग वाइज, म्यूजिक वाइज ये तीन गाने हैं जो आने वाले महीने में रिलीज़ करने वाला हूँ, और उसके बाद फिर रियलिटी है और फिर एक फीचर फिल्म की स्क्रिप्टिंग और प्लानिंग। सनी लियोनी के साथ भी एक प्रोजेक्ट प्लान किया जा रहा था, तो उसके बारे में कुछ बताइए। सनी लियोनी के साथ में मैंने गाना किया था ये इश्क, जो जी म्यूजिक के साथ में रिलीज़ हुआ, एंड इट वॉज़ ए वेरी नाइस एंड सुपर हिट नंबर ये इश्क मेरा है। एंड इंशाल्लाह फ्यूचर में भी उनके साथ में बहुत जल्दी कोलाब्रेशन भी करेंगे, अच्छा गाना अच्छे म्यूजिक के साथ, बिकॉज डैनियल वेबा इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो वी आर थिंकिंग टू डू सम न्यू म्यूजिक एज वेल। और सनी लियोनी के साथ कैसा एक्सपीरियंस ला? बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन, यू नो डैनियल इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, अगेन ए वेरी टैलेंटेड गिटारिस्ट। तो हम लोगों ने पहले गिटार पे गाना किया एंड देन वी शॉट द सॉन्ग इन एलए, लॉस एंजलिस में हॉलीवुड स्टूडियो में हम लोगों ने वो गाना शूट किया था, एंड शी इज़ वेरी प्रोफेशनल अप टू द मार्क एंड वेरी टैलेंटेड, सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। जी, इसके अलावा आपने रियलिटी शो की बात की, अभी रियलिटी शो चल रहा है बिग बॉस सीजन 10, जी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप, कैसा लगा आपको, कौन सा कंटेस्टेंट आपका सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट रहा है? यार बिग बॉस तो इज़ माई लाइफ, बिकॉज बिग बॉस से जो फेम मिला है वो तो दोहराया नहीं है कि मुझे जनता जनार्दन तक पहुँचाने वाला मेरा शो बिग बॉस था, एंड इट्स वेरी क्लोज टू मी। इस बार इत्तेफाकन मैंने कुछ एपिसोड्स देखे बिग बॉस के, और मैंने देखा कंटेस्टेंट बहुत ज़बरदस्त थे, बस एक पागल बाबा उसमें आया हुआ था जिसने बहुत ही अति की, एंड आई थिंक उसने पूरी लाइन सब क्रॉस की, तो विच वॉज मेरे हिसाब से जो उसने किया आई थिंक इट वॉज नॉट अप टू द मार्क, एंड आई थिंक वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी था, तो मेरे हिसाब से कभी कभी कास्टिंग में गलती हो जाती है, तो एंडमॉल या फिर कलर्स की टीम ने ये जो गलती की है ज़िंदगी भर पछताएंगे, कि जिस हिसाब से उसने घर में एक ऐसा गर्दन मचाया कि अगर बिग बॉस के घर में मैं होता, इन कंटेस्टेंट की जगह अगर मैं होता, तो यू नो या तो मैं बाहर होता या वो बाहर होता, बिकॉज
बहुत ही नंग पना मचाया, विच वॉज लाइक एक फैमिली शो है. फैमिली शो को यू नो आई हैव नो वर्ड्स, बट आई डिडंट लाइक द वे ही स्पोक, आई डिडंट लाइक द वे ही स्पोक अबाउट सलमान भाई. यू नो सलमान भाई के बारे में उन्होंने उल्टी सीधी बातें धमकी दी है. और मैं दुआ करता हूँ, और बाबा मुझे गलती से किसी इवेंट में मिल मत जाना, यू नो, बिकॉज जिस हिसाब से तुमने धमकियाँ दी हैं बिग बॉस की टीम को, जिस हिसाब से तुमने धमकियाँ दी हैं सलमान भाई को, यू नो हु इज एन अमेजिंग सोल, जो पता नहीं कितने लोगों को सपोर्ट करते हैं हर तरीके से, एंड जिस हिसाब से आपने गलत एलिगेशन लगाए, अगर गलती से किसी सत्संग में भी मिल गए ना तुम, तो मैं तुम्हारा सत्संग कर दूंगा बाबा. मैं ये मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, और अगर मिल गया तो फिर देखना. अली भाई, खासतौर से हम देखते हैं कि जब हम बिग बॉस की कास्टिंग पर नजर डालते हैं, जैसे बाबा के बारे में बोल रहे हैं जी, उन्होंने काफी हड़दंग मचाया, काफी सब रहा जी, तो जब हम कास्टिंग होती है बिग बॉस की जी, तो उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी रहती है, कैसे इन लोगों को लेके आया जाता है जी? क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा की हम बात करें, ही सपोर्ट द बीजेपी एंड सम अदर, सपोर्ट करते हैं वो जी, तो इन लोगों को क्या मापदंड तय कर लिए जाते हैं कि भैया इनको लेके आओ, वो इस तरीके से तुम खुलेआम हड़दंग मचा दो जी? नहीं देखिए, क्या कहीं ना कहीं भाई को भी धमकी दी उन्होंने जी, जी, जी. कि हम फिनाले नहीं होने देंगे या, या. तो इसको आप किस नजर से देखेंगे, क्या कहेंगे, इनको कुछ कहना चाहेंगे? जो देखिए रहा सवाल, ऐसे पता नहीं कितने बाबा नकली बाबा घूम रहे हैं, यू नो ये इनका कोई दीन धर्म तो होता नहीं है, ना ये हिंदू है ना मुसलमान है, सिख है ना ईसाई है, इनका दीन धर्म कुछ नहीं, इनका दीन धर्म पैसा है. रहा सवाल कास्टिंग का, जो बेचारे कास्टिंग वाले होते हैं वो सबसे एक एक करके मिलते हैं, उनके कैरेक्टर जो कैरेक्टर होता है उस कैरेक्टर को पढ़ा जाता है कि क्या कैरेक्टर है, किस लेवल पे क्या कर सकते हैं, फिर डॉक्टर्स आते हैं उनके मेंटल लेवल को चेक करते हैं, ठीक है. अब किसी के दिमागी तौर दिमाग के अंदर तो जा नहीं सकते कि भाई ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ठीक है, वो अपने हिसाब से कास्टिंग करते हैं. लेकिन मुझे लगता है 10 सीजन में ये एक पहली बार एक बिकॉज आम जनता को लेके आए. अच्छा होता क्या था, पहले सेलिब्रिटीज़ आते थे, सेलिब्रिटीज़ में क्या होता है कि आप लोगों को इंडस्ट्री में रहना है तो आप लोगों को एक हद पता है कि हाँ भाई ये मेरी हद है, मैं इस हद से आगे नहीं जाऊँगा, या मेरी इतनी हद है, तो इंसान अपनी एक हद में दायरे में रहता है. इस बार आम आदमी आए तो आम आदमियों को भी अपनी हद का धीरे धीरे करके पता लगा, एक यहाँ पर रुक गया एक वहाँ पर रुक गया. जैसे प्रियंका जग्गा आई थी, उनकी एक हद, उन्होंने भी एक शो में पूरा उन्होंने यू नो बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, तो उन्होंने अपने लेवल पर खेला, सब ने अब तो वो बाहर हो गए. फिर ये बाबा ने सोचा कि मैं शो को चला रहा हूँ, वो अंदर अंदर सोचने लगा कि हाँ यार मैं ही ठीक हूँ, मैं ही शो चला रहा हूँ. और ऐसे लोगों को क्या होता है कि थोड़ा सा अगर आप चढ़ा दो ना तो सोचने लगते हैं गैस के गुब्बारे पे आ जाते हैं. तो ये लोग हैं. और रहा सवाल फिनाले का कि मैं फिनाले नहीं करने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, मैं अकेला जाके बिग बॉस के घर के बाहर खड़ा हो जाऊंगा और ऐसे नकली बाबा होगा ना 50 को आके इतने घुसन मारूंगा ना. आजकल मैं मार्शल आर्ट ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, समझे ना, तुम लोगों के लिए, ऐसे नकली बाबा के लिए. इसके अलावा सलमान से कुछ बात हुई है आपकी इस बारे में या फिर कुछ? भाई इसमें कोई बात करने की वो ही नहीं है, ये तो ये इन लोगों के बारे में जितना बात करेंगे इतना इनको पब्लिसिटी मिलेगी. तो ये लोग तो बहुत ही बकवास और बेकार लोग हैं. तो मेरे हिसाब से ऐसे लोगों पर रिएक्ट करना, मेरे हिसाब से उनको बढ़ावा देना है कि वो किसी भी लोकल चैनल पे जाके फालतू की बातें करना कि ये हैं एजेंट हैं एक्स हैं वाई, ये सब फालतू की बातें हैं. और मैं समझता हूँ ये बेबुनियाद है, इसको मेडिकल इलाज की ज़रूरत है, ये हॉस्पिटल में जाए अपना इलाज करे, योगा करे, और जिस काम के लिए वो चोला पहना हुआ है लोगों की सेवा करे, ना कि डिस्ट्रक्शन करे, कि फालतू के इंटरव्यू दिए कि हम लोगों ने महात्मा गांधी के गोली हमने मारी थी, केजरीवाल के गोली हम मार देंगे, ये सब बकवास इंटरव्यूज जो चलाते हैं. और मैं मीडिया से भी गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के कि ऐसे लोगों के ना तो इंटरव्यू लें ना इनको चढ़ाएं, इनको अपनी औकात में रखें. एक सवाल जो है वो मैं खासतौर से बॉलीवुड से थोड़ा सा हटकर है जी, जो नोटबंदी चल रही है पिछले काफी लंबे समय से, तो इस पर अली भाई की सेहत पर, अली भाई के बटुए पर कितना दबाव आया है? भैया देखो ऐसा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग से सवाल आप लोगों ने पूछा है. हम शोज करते हैं, जैसे आपको पता है एक्टिंग और सिंगिंग में जो मेरे कॉन्सर्ट्स होते हैं शोज होते हैं. तो पहले होता क्या था कि जैसे टॉप मोस्ट जो हमारी मार्केट के जो भी हॉट सिंगर्स हैं, जैसे अरिजीत हैं, राज साहब हैं, या हनी सिंह या बादशाह, तो इनके या आतिफ है, इनके रेट्स काफ़ी हाई लेवल पे होते हैं. तो क्लाइंट जो है मतलब ये क्लाइंट जो होते हैं या तो वो रेट होता है या फिर बीच में कुछ रेट होता नहीं था. तो जब नोटबंदी हुई है तो सबके रेट ड्रॉप हुए और हमारे रेट थोड़े ऊपर हो गए, क्योंकि हम जो मेरी परफॉर्मेंस है, मेरी परफॉर्मेंस को लोग बोलते हैं हाँ यार ये पाजी जैसे मिक्का पाजी जैसे परफॉर्म करते हैं, या ये रैप भी करते हैं बादशाह की तरह, गाने भी गाते हैं. तो हम लोग अभी सिंगिंग में हम लोग ऊपर आ रहे हैं, सिंगर्स लाइक मी. तो हमारे लिए ये थोड़ा सा ये हो गया कि एक नई स्टार्टिंग हो गई, एक नई रेस हो गई है. तो जिस रेस में वो लोग इतने आगे थे
वो थोड़े से ऐसे हो गए नोटबंदी में, हम थोड़े से आगे आ गए. तो नोटबंदी में मेरे हिसाब से हमें तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, जो मिलता था हमें चेक में मिलता था, कार्ड के मिलता था. मैं कार्ड ही यूज़ करता हूँ, मेरे कार्ड की भी हालत ऐसी है कि तीन जगह से कट गया है. अभी नया, आप लोगों से इंटरव्यू से पहले ही मैं भी अभी नया कार्ड अप्लाई करके आया हूँ. तो नोटबंदी में मुझे तो, हम सिंगर्स को तो फ़र्क नहीं पड़ा. हाँ, जो आम लोग हैं जो लाइन में लग रहे हैं, एक नई रेवोल्यूशन है. और देखिए क्या होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज़ लेके आए हैं इंशाल्लाह दूसरे लेवल पे जाने के लिए, करप्शन बंद करने के लिए. तो आई थिंक हम सबको सपोर्ट करना चाहिए. हर कंट्रीज में आप शो करते हैं, अब तक की बेस्ट कंट्री कौन सी है जिसमें आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया शो करना? यार अभी मैं क्रिसमस का शो करने लंदन में गया था, वैमली मैंने परफॉर्म किया वहाँ पर. मेरे ऑर्गेनाइज़र थे शिव, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखा. तो वहाँ पर जो वैमली में हमने परफॉर्म किया, वहाँ पर जो लोग थे, जो हमारे इंडियंस गए हुए थे, जो हमारे पंजाब से लोग गए हुए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिंड के सारे लोग इकट्ठे हो गए और परफॉर्म कर रहे हैं, सीटियाँ बजा रहे हैं, बिल्कुल वही देसी दिल्ली वाला स्टाइल वहाँ पर आया. बहुत इन्जॉय किया मैंने. और ना सिर्फ इंडियन बल्कि फ्रॉम बांग्लादेश, पीपल फ्रॉम बांग्लादेश, अमेजिंग कम्युनिटी, उनके साथ परफॉर्म किया, उन्होंने इतना प्यार दिया. तो हम सिंगर्स को जैसे ही इंडिया से बाहर निकलते हैं तो हमें श्रीलंकन भी प्यार करते हैं, बंगालीज भी प्यार करते हैं, पाकिस्तानी भी, इंडियन भी, सब प्यार करते, बिकॉज सब एक साथ रहते हैं. तो ये मज़ा मुझे लंदन में बहुत ज़्यादा आया. एंड आई फेल्ट दैट वो जो एक स्टारडम की, वो एक बड़े एरिना में आप परफॉर्म कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया. उसके बाद फिर मेरा न्यू ईयर था नेपाल, काठमांडू में. नेपाल में मैं शौक हो गया, लोग मुझे जानते हैं वहाँ, बिग बॉस देखते हैं. तो यू नो इतना प्यार मिला हम लोगों ने, क्राउन प्लाजा में मैंने परफॉर्म किया, आई वॉज द ओनली सिंगर. तो मज़ा तो आता ही है और लोगों से प्यार मिलता है, तो जहाँ से प्यार मिलता है वहाँ से इन्जॉय करते ही हैं. इसके अलावा सिंगल्स का ज़माना चल पड़ा है जी, लोग पुराने गानों को रिक्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई गाना है जहन में जिसको आप रिक्रिएट करना चाहेंगे पुराने गानों में से? यार अभी वो, हाँ सोचा तो हुआ है, बिकॉज आई एम हार्ड कोर रफ़ी साहब फ़ैन एंड उनको सुन के ही मैं सिंगर बना हूँ. तो इंशाल्लाह कोई रफ़ी साहब का कोई अच्छा सा गाना, दो तीन गाने मैंने सोचे हैं. तो इंशाल्लाह इस साल में कुछ एक गाना मैं उनको डेडिकेट करूँगा और एक पैपी नंबर उनका जो है लेके वो गाने वाला हूँ. जी और ये बहुत ही दुख भरा समाचार है, क्योंकि ओमपुरी जी ना सिर्फ एक एक्टर थे बल्कि एक्टर्स की बैकबोन थे. मतलब उनके साथ जिन्होंने भी काम किया है ना, वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे आ गए हैं, क्योंकि उनके साथ काम करके लोगों ने सीखा है कि कैसे एक्टिंग होती है. वो इतने नेचुरल एक्टर थे कि आप उनको कोई भी किरदार आप दे दें, उन्होंने एक मार्क बनाया. तो मैं नहीं समझता कि इस लाइफ में, बॉलीवुड में, उस मार्क को कोई तोड़ सकता है जिस हिसाब से उन्होंने एक्टिंग की. और ये बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा झटका है, यू नो, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा झटका है. एंड आई एम रियली सैड अबाउट दैट. खासतौर से मीडिया में छन छन की जो खबरें आ रही हैं, चाहे टीवी चैनल है, चाहे न्यूज़पेपर है, कि ओमपुरी जी की मृत्यु के बाद उनके ऊपर कहीं ना कहीं बिस्तरा रिपोर्ट भी उनकी देखी जा रही है जी. कहीं ना कहीं एक कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रहार किया गया है, चाहे घर में चाहे घर से बाहर. भाई इसके आप क्या कहेंगे इसको? भाई उसके बारे में, इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं. लेकिन जब ये समाचार सुना और ये दुख भरा समाचार सुना तो मेरे पैर के नीचे ज़मीन निकल गई. एंड इट वॉज सच ए बिग शॉक फॉर मी, आई कैन इवन टेल यू. एंड हमारे बड़े सीनियर एक्टर चले गए, इसका बहुत अफसोस है. सर आपका जो सॉन्ग है तेरे अश्कों से, वो जरा आप गा देंगे तो अच्छा. ये तेरे अश्कों से मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरे भाई आबिस को, जिनके जो अभी हाल फिलहाल में ही, अगर आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने मुझे रॉर फिल्म में इंट्रोड्यूस किया था, रॉर टाइगर्स ऑफ सुंदरबन. वो नहीं रहे इस्तांबुल अटैक में, एंड ही वॉज़ ए ब्रदर टू मी. उनका भी मुझे बहुत बहुत बड़ा सदमा है, यू नो, बिकॉज ही वॉज़ लाइक ए फैमिली टू मी. हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे थे. तो ये गाना मैं आबिस भाई के लिए गाना चाहूँगा. तेरे अश्कों से मुझ पर असर अब तो होता है, ये बात जान ले, पत्थर दिल भी रोता है. गुजरे पलों के संग सफर अब तो होता है, आ मेरी जिंदगी में, आ मेरी जिंदगी
मैं गिरे हो ये छो आसमान दिगे हीच रंजना दौर नमिखाम बम बेमुनी برو از روزگارم دیگه جایی نداری تو این قلب شکسته آمر زندگی میا Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you.